दोस्तों आप सभी को डॉक्टर शुक्राय का बहुत बहुत नमस्कार। आजकल जो हमारा विषय है, गर्मी में या धूप की गर्मी में या लू की वजह से अगर कान के बाहरी हिस्से पर कोई अगर सूजन आ जाती है, अगर सूजन आ जाए या कान में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इसके लिए होम्योपैथी में तो सैकड़ों दवाइयाँ हैं, पर हम कुछ चुनिंदा दवाइयों के बारे में ही बात करेंगे। आशा है आप इसे अच्छी तरह से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। पहली जो दवा है बेलोडोना है। कान के बाहरी भाग की त्वचा पर सूजन होने के साथ साथ अगर बुखार आ जाता है तो इसके चिकित्सा के लिए बेलोडोना औषधि 30 की पुरिंची या 6 की पुरिंची बहुत ही लाभदायक होती है। दूसरी जो दवा है वो है रस्टक्स। कान के बाहरी भाग पर छाले तथा फुंसियाँ होने के उपचार के लिए रस्टक्स औषधि 6, 12 या 30 की पुरिंची में अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो आपको जो है इससे तुरंत आराम मिलता है। एपिस मेल्फिका तीसरी दवा है वो है एपिस 6, 12 या 30 की पुरिंची में कान के बाहरी भाग पर सूजन होने पर उसे ठीक करने के लिए एपिस औषधि की 6 की पुरिंची 2 बूंद अदरक पानी में डाल के हर 2-2 घंटे पर अगर लेते हैं आप तो आपको तुरंत आराम मिल जाता है। अगली जो औषधि है वो है कैलीबाइक्रोम। कान के बाहरी भाग के छेद पर सूजन होना तथा उसमें पीप बहने लगना, ऐसे में कैलीबाइक्रोम औषधि जो है 30 की पुरिंची में या 12 की पुरिंची में 2 बूंद अगर 2-2 घंटे पी लेते हैं तो बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। आशा है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। और एक हिदायत है कि अगर काम ना हो तो आप गर्मी से बचें, इस ताप से बचें, क्योंकि ताप जो है बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से कुछ भी हो सकता है, तो लू भी लग सकती है जो कि बहुत ही भयावह है। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनी मैन।